सरकार ने फरमाया कि रब के खजानों में कमी समझे, रब सो अजय मजबूत का स्वाद देना चाहे तो नहीं दे सकेगा, देगा इसलिए अपने माँ बाप के। और ये बड़ी बंदा समझता है, स्माइल करके देखना आसान बात है नहीं, दिल साफ हो तो स्माइल बंदा करता है, दिल साफ हो तो खुशी होती है, दिल में तसल्ली हो तो खुशी होती है, फिर बंदा खुशी से देखता है, खुशी से टिक टिकी बांध के देखो अपने माँ बाप के चेहरा हज उमरे के स्वाब हासिल करो। किसी ने कहते ना माँ बाप को हज काबा कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि माँ माई बाप हज काबा हो, ये वैसे बात नहीं, ये सरकार की तालीम है। वक्त खत्म हो गया, हमारी मेराज में जो अभी ट्रैवल जर्नी है शुरू हुआ। एक बात में याद मदद करता हूँ, भूल जाता हूँ बार बार, मुझे बार बार कहते हैं इंग्लिश में बात किया करें, मैं अपने दर्दों सोच में याद नहीं रहती, लोगों को छोड़कर भूल जाता हूँ। अच्छा जी, ये सवाल आ गए, सवालों के जवाब नहीं मिले, ये किधर से मतलब उधर से कि बहन जरा लेडीज लोग ज्यादा सवाल कर लिए, तो सब कुछ सवाल कर दिया। वैसे अच्छी बात ये होती है कि मैं जिस टॉपिक को तैयार करके लाऊं उस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, क्यों, इसलिए कि मैं फ्रेश स्टडी का कराया आता हूँ, ये दीन की बात है, मैं आदमी को हूँ नहीं कि जो भी आप मुझसे सवाल करें हर बात मेरे जहन में होनी चाहिए। असल में आपसे किया हुआ कि नहीं किया हुआ बताओ, मैथ्स का जो फलानी बुक थी उसके फलाने पेज पे कौन सा मसला लिखा हुआ था बता सकोगे, इस तरह इंसान है, बहुत सारी बातें जो है जहन में नहीं होती, वो दीन की बात है, स्टेज पे बैठा हुआ हूँ मैं, कौन जी मार्ग सवाल पूछे और दसना जरूर सिर मारो, अच्छी बात दयानत इसी की ईमानत इसी बात का नाम होगा कि जो बात आती हो वो बताऊँ, जो ना आती हो वाह वो उसके माँ बाप का, इसलिए ज़्यादा बेहतरी बात ये होती है मतलब मेराज पूरे मेराज पर सवाल किया है। लेकिन उन्होंने ये सवाल किया है क्या ज़कात के महीने में ज़कात अदा करना ज़रूरी है, या ज़कात के महीने के बाद भी अदा कर सकते हैं। पहले तो ये बात है कि ज़कात का महीना कौन सा होगा, रजब का महीना ज़कात के महीने के तौर पर हमारे मुसलमानों में एक रस्मन मशहूर है, लेकिन हर बंदे का महीना उसके अपने साल के मुताबिक है, जब उसके माल पर साल गुजरता है तो फिर उसकी ज़कात उसके ऊपर वाजिब होती है। अब अगर ये बात है कि ज़कात का महीना गुजर गया मतलब उसका साल पूरा गुजर गया तो बाद में भी उस पर ज़कात उसी तरह वाजिब रहेगी, वो साकित नहीं होगी, उसको देनी पड़ेगी। हाँ, उसने जो देर किया ताखीर उसको नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर बाद में भी दे तो उसी तरह ज़कात अदा नहीं होगी, जिसमें नमाज अदा होती है अदा वाली बात नहीं होगी, अदाई होगी वो उसको अदा करनी पड़ेगी, टाइम पर गुजर जाने से अदायगी के हवाले से उसके ऊपर कोई नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आगे थी, अच्छा क्या गाड़ी में नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं, क्या गाड़ी में नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं, गाड़ी में नफल नमाज पढ़ सकते हैं, सुन्नत नमाज पढ़ सकते हैं, फर्ज नहीं पढ़ सकते, उसके लिए गाड़ी रोकनी पड़ेगी, गाड़ी रोके और फर्जों के लिए उतरे, उतर कर नमाज पढ़े, जब तक आप फर्जों के लिए गाड़ी से उतरेंगे नहीं आप नमाज गाड़ी पर चढ़ के जाना, नफल और सुन्नतें जो है वो बेशक आप गाड़ी चलती गाड़ी पर पढ़े, बेहतर तो यही होगा उसके लिए भी कि आप फर्जों के लिए उतरे तो उसके लिए भी आप तक नमाज पढ़े, लेकिन फर्ज नमाज जो है वो गाड़ी में उतर के पढ़े। एक और सवाल है, इंशाल्लाह टाइम ख़त्म हो गया, थोड़ा तफसील करना है, इंशाल्लाह अगली मेरी रात को इंशाल्लाह पेश करूँगा, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, वहाँ आने का नहीं लग रहा।